नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स एंड थ्रू दिस वीडियो वी आर ट्राइंग टू रीच आउट यू टू प्रोवाइड यू फुल प्रोफेशनल एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस में जो वीडियोज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल्स वेदर इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रीलिम्स और मेंस और फॉर द गाइडेंस फॉर द इंटरव्यू। मीन्स इन वीडियोज को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने फ्रॉम यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई से पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन, उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिविजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोज में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू दी एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल अकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 9 सीपीसी, एंड इफ दिस सेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स। फाउंडेशन ऑफ सीपीसी इज दिस सेक्शन 9 बिकॉज इट इज डीलिंग विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। गॉट इट? नो आई रीड द बेरेट लैंग्वेज, फिर प्लीज ध्यान दीजिए इसमें क्या है। सेक्शन 9, द कोर्ट शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हेयर इन कंटेंट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर। अब मैं एक बार रीड कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, अब इसको मैं थोड़ा ब्रेक करके पढ़ता हूँ। इसको आप ऐसे पढ़िए, जो इन्वर्ट जो ब्रैकेट में उसको नहीं पढ़ूंगा अभी मैं, हम डायरेक्ट पढ़ेंगे इसको। अब द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर। तो राइट नाउ वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेक्शन 9 कि सिविल कोर्ट को किस प्रकार के मुकदमे को सुनने का अधिकार होगा। आई एम कनेक्टिंग दिस लेक्चर नाउ विद द प्रीवियस लेक्चर्स। इन अर्लियर लेक्चर्स व्हाट वी हैव रेड दैट द प्लेंटिफ थ्रू हिज प्लेंट विल डिटरमाइन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेंट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विल बी डिटरमाइंड, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं कि प्लेंटिफ जो प्लेंट फाइल करेगा उसके आधार पर ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होगा। ठीक, नाउ हु इज डिसाइडिंग? कोर्ट विल डिसाइड अबाउट दैट वेदर आई एज ए कोर्ट हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई इट और नॉट। नाउ कोर्ट के पास क्या डायरेक्शन है? एज ए सिविल कोर्ट व्हाट काइंड ऑफ केसेस यू कैन हियर? फॉर दैट पर्पस कोर्ट विल हैव टू गो टू सेक्शन 9। समझ रहे हैं बात? If I am the court and I am to decide one question, this is the plaint and whether I have the jurisdiction to try this case or not, मुझे इस केस को सुनने का अधिकार है या नहीं है? अब कहां के पास जाऊं? प्लेंटिफ ने तो प्लेंट चिपका दी अपनी। वेयर शुड आई गो टू डिटरमाइन वेदर आई हैव एज ए सिविल कोर्ट आई हैव द जुरिडिक्शन टू डिसाइड दिस और नॉट। फॉर दैट पर्पज सेक्शन 9 विल हेल्प मी। सेक्शन 9 विल कम टू रेस्क्यू मी। एंड वॉट इज द मैंडेट? दैट द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर। कि जितने भी सूट्स सिविल नेचर के होंगे, जितने सूट्स भी सिविल नेचर के होंगे, उन सभी को ट्रायल करने का अधिकार मुझे होगा। अब मुझे पता चल गया एज ए सिविल कोर्ट कि वॉट आई हैव टू सी वेदर दिस केस इज ऑफ दिस सूट इज ऑफ सिविल नेचर और नॉट। इफ द आंसर इज यस, आई हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई दिस केस।
एज ए सिविल कोर्ट, एज ए कोर्ट आई विल हैव टू डिसाइड ओनली वन क्वेश्चन, दैट वेदर दिस सूट इज ऑफ सिविल नेचर और नॉट. इफ द आंसर इज येस, देन द सिविल कोर्ट हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई द केस. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ आई डिटरमाइन दिस कि सूट इज ऑफ सिविल नेचर, देन आई विल हैव टू रीड दिस लाइन ऑल्सो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन्स हेयर इन कंटेंट. एंड वॉट आर दोज प्रोविजन्स देन? मुझे अधिकार तो मिल गया सारे सिविल सूट्स को, सारे सिविल नेचर के सूट्स को ट्राई करने का, लेकिन ये दिस इज नॉट एब्सोल्यूट राइट. दिस इज सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रोविजन्स हेयर इन कंटेंट, दैट इज इन द CPC. कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, समझ पा रहे ढंग से? नाउ वॉट आर दोज प्रोविजन्स? दोज प्रोविजन्स आर सेक्शन 15. गो टू सेक्शन 15. दैट इज रिलेटेड टू वॉट? पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन. सेक्शन 15 इज रिलेटेड टू पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन. कि आई कैन डिसाइड द, आई कैन ट्राई द सूट ऑफ सिविल नेचर ओनली वैन इट कम्स इन टू द माई पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन. सही है. नाउ सेकेंड और प्रोविजन्स क्या है? देर इज ए सेक्शन 10, देर इज सेक्शन 11, दैट आई विल हैव टू ऑल्सो फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11. रेस ड्यूटी गेटा रेस सब ज्यूडिस, सेक्शन 10 रेस सब ज्यूडिस, सेक्शन 11 रेस ड्यूटी गेटा. आई विल हैव टू फॉलो द सेक्शन 16-21 एज वेल रिगार्डिंग द टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शंस. तो आई हैव द ज्यूरिसडिक्शन एज ए कोर्ट टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर subject to the provisions contained herein. I hope this is very clear to you. Please raise hand agar question mein aa gayi ho to. Sahi hai. Now let's read the second line. Accepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Accepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Ye next baat aa gayi samne. कि आई शैल हैव द राइट टू ट्राई सूट्स ऑफ ऑल सिविल नेचर्स, लेकिन कौन से सूट्स को ट्रायल नहीं कर सकता मैं? एज ए सिविल कोर्ट विच कोर्ट विल नॉट, विच केसेस कैन नॉट बी ट्राइड? नंबर वन, द कॉग्निजेंस ऑफ विच इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. जिन सूट्स की कॉग्निजेंस पर प्रतिबंध है, बंद हिंदी एग्जैक्टली बता, बार्ड का मतलब है कि कोर्ट विल नॉट टेक अप दीज मैटर्स. जिनके कॉग्निजेंस को स्पष्ट रूप से लेने से मना कर दिया गया है कि सिविल कोर्ट विल नॉट, इट मींस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट हैज बीन एक्सक्लूडेड. इट मे बी एक्सप्रेस एक्सक्लूजन, इट मे बी इम्प्लाइड एक्सक्लूजन. आर गेटिंग पॉइंट? सो दीज आर, यू कैन सी दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड, इससे समझ पाएंगे आप लोग. दिस इज द लॉ, द कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई what all suits of a civil nature. This is the plain law that the court shall have jurisdiction to try the suits of civil nature. Got it? Now what are the other factors? Accepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Aise suits ko chhod de jinki cognizance either expressly or impliedly barred hai. Otherwise a court shall have the jurisdiction to try all suits of civil nature only. So this is the right to try again, but there are certain restrictions, and that is why this line is there in your bare act, subject to the provisions herein contained. And I can cite the section 10 11, okay, 10 11, then 15 16 onwards. और उनके अधीन रहते हुए, अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी भी सिविल न्यायालय को सिविल प्रकृति के सभी वादों को सुनने का अधिकार होगा, जब तक कि वैसा करना एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड ना हो. सही है. तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 9. सो इन दिस केस व्हाट वी सी, बेसिकली देर आर टू कंडीशंस. Basically, there are two conditions for a civil court to have the jurisdiction. First is what? The suit must be of civil nature. This is the first condition. And this is second, cognizance of such suit should not have been expressly or impliedly barred.
तो इफ दीज टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ए सिविल कोर्ट विल हैव द जुरिस्डिक्शन अगेन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेंट. कर लेंगे. एंड नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर योर प्लेम्स. अंडर CPCA लिटिगेंट हैविंग ए ग्रीवेंस ऑफ सिविल नेचर हैज ए राइट टू इंस्टीट्यूट सूट इफ कॉग्निजेंस इज नॉट एक्सप्रेसली बार्ड, इम्प्लाइडली बार्ड, एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड, नन ऑफ दीज. दिस इज MP सिविल जुडिशरी केस एंड प्लीज सी दिस. घूमते रह जाएंगे आप लोग अगर आपने सही तरीके से इसकी लैंग्वेज को याद नहीं किया. सेक्शन 9, बिकॉज आई एम सेइंग दिस टॉपिक, दिस सेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एज वेल. देयरफॉर यू शुड लर्न दिस सेक्शन 9 ऑलमोस्ट इन एग्जैक्ट लैंग्वेज. I will not request you to learn all sections in exact language, but section 9 is of such a category that you should learn, you should write again and again, because only then you can solve the questions relating to section 9. The answer is not expressly barred. When there is expressly barred, the court shall not have jurisdiction. When it is not expressly barred, then it may have the jurisdiction. This is the question. So what is the barred language question again? सेकेंड से दिस और क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं अंडर CPCA एंड देन दे हैव गिवन यू दी सेक्शंस एंड दीज आर द मार्जिनल नोट्स विच आई रिपीटेडली आस्क यू टू कीप राइटिंग. वन क्वेश्चन कैन बी सोल्व लाइक दिस 5, 6, 7, 8. सो मार्जिनल नोट्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाए. अगेन हेडिंग से क्वेश्चन आया, देखें, In which section of CPCA it is related suit of civil nature has been provided? Section 9. So only they picked the question only from this expression. Suit of civil nature. Suit of civil nature, कौन से section में दिया गया ये phrase? Section 9 में रखा है. Now again, UPPCSA. All civil courts have jurisdiction to try. All suits of civil nature except suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Exact language of section 9. So, what is the guidance for us? If we remember the exact language, we can solve these questions not only in prelims but also in mains. So, better you prepare section 9 for your mains. Again, this. Whether court can without exception try all suits of civil nature? No. There are exceptions. There are exceptions. The question क्या है? Whether court can without exception try all suits of civil nature? क्या कोई court civil court क्या कोई court बिना किसी अपवाद के सभी suits को try कर सकती है? Answer is no, because there are exceptions. If there is a express exclusion, impliedly barred, expressly barred, तब नहीं कर सकती है. And there are other conditions as well. So this is answer is no. So this is the what section first part of the section 9 and basically aap yahan par jo first condition hamari ye kya thi, the suit must be of a civil nature, and this is our the further task to understand that what do we mean by the suit of civil nature. Theek hai ji? Theek hai ji. Okay. So let's start with the topic civil nature. We have to understand the word this civil nature, ki civil nature ka matlab kya hai, because all courts shall have the right to try the suit of civil nature. तो civil nature है किस चिड़िया का नाम? तो इस चिड़िया में दो पर हैं. Two combination, two words, civil and nature. That this is the combination of two words. One is civil and other is nature. So first of all, we will have to understand the meaning of civil, and then we will have to understand the meaning of nature, and then we will come to a कि what is the meaning of civil nature. What kind of cases can be heard and decided by the civil court? देखिए है क्या ये? It means what? When we say civil, है ना? Civil means something which is not of religious or political kind. Something private rights and remedies of a citizen. As a citizen जो आपके rights हैं, that comes into the arena of civil rights. Civil right का मतलब है वो ऐसे अधिकार जो आपको एक नागरिक के रूप में मिलते हैं. द राइट्स एज ए नाउ, जैसे सपोज कीजिए किसी की जाति की बात है, आउटकास्ट कर दिया गया, है ना. सपोज कीजिए पूजा मैडम को
धक्के निकाल के बाहर कर दिया गया इनकी जात से, कि जात बाहर करनी, जज बनना चाहती है, हमारे जाति में जज नहीं बनेगा कोई भी जात से बाहर। नाउ इफ शी कम्स टू द कोर्ट कि आई इंजक फॉर द कोर्ट ऑफ रिमेडी ऑफ इंजंक्शन कि मेरी जाति के लोगों को मुझे इस जाति बाहर होने से रोका जाए, इफ शी कम्स टू दिस, तो दिस हर राइट टू बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कास्ट, इफ शी इज बींग एक्सपेल्ड फ्रॉम द कास्ट एंड देन शी कम्स टू द कोर्ट फॉर वॉट, फॉर रिलीफ ऑफ इंजंक्शन अगेंस्ट द कास्ट मेंबर्स सो दैट दे मे नॉट बी एबल टू एक्सपेल हर, दिस राइट टू हर बिलोंग्स टू बी जस्ट बिकॉज शी बिलोंग्स टू दैट कास्ट, नॉट एज ए सिटीजन। सेकेंडली अदरवाइज ऑल्सो इफ शी इज ए हिंदू एंड शी इज बींग आउट कास्टेड बाय द हिंदूज, इफ शी वॉन्ट टू अप्रोच द कोर्ट दैट नो नो आई शुड नॉट बी एक्सपेल्ड, तो शी इज हैविंग दैट राइट बिकॉज शी बिलोंग्स टू द हिंदू कम्युनिटी और द मुस्लिम कम्युनिटी, तो देर आर सर्टेन राइट्स विच यू इनहेरिट विच यू हैव जस्ट बिकॉज यू बिलोंग टू पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर रिलीजन और पर्टिकुलर कम्युनिटी। एज ए सिविल राइट वॉट वी आर डीलिंग विद दीज आर द प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ ए सिटीजन, एज ए सिटीजन वॉट यू इनहेरिट, सो यू कैन से दिस इज द डायरेक्ट मीनिंग एंड इनडायरेक्टली यू कैन से द डायरेक्ट विच आर विच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिलीजियस और पोलिटिकल राइट्स लाइक दिस। आर यू गेटिंग समझ नोट? चलिए इनका क्वेश्चन समझा आप लोगों ने, इनका क्वेश्चन ये है इवन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन, इवन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस फंडामेंटल राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन टू प्रैक्टाइज एनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सो व्हाट इज दिस, सो प्लीज कम रिमूव योर कन्फ्यूजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट इज नॉट, यू आर नॉट अप्रोचिंग बिफोर द कोर्ट अगेंस्ट द स्टेट इन दिस केस, यू आर नॉट अप्रोचिंग द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। सेक्शन आर्टिकल 25 टू 28 आर एप्लीकेबल व्हेन द स्टेट इम्पोजेस सर्टेन काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस अपॉन योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, तो दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, फ्रीडम राइट, फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन, दैट इज कंप्लीट डिफरेंट थिंग। नाउ सपोज वन पर्सन इज बीइंग हरेस्ड ऑन द रिलीजियस, सपोज द मेंबर्स ऑफ सर्टेन कम्युनिटी फोर्स another one to bear janeu, to bear some kind of beard, different kind of subcon beard, different kind of topi, hai na, these are what, these are the harassments or taking away the right from the community and this, agar so koi criminal activity hai then the state will come into picture. Right now what we are focusing that what kind of rights can be enforced through civil court, our area of concern is very limited in this, that as a civil court what kind of suits can be brought before it, whether we can go for the enforcement of fundamental right, answer is no. If the question is come that I am being outcasted from my caste and I should be given relief from this court, answer is no, because this is a purely a question relating to caste, this is not a civil right. Samajh rahe Madhavi? If something is that I am not being permitted by my family to leave Hindus, I want to convert into Muslims, main to Muslim banna chahta hu, meri family Hindu hai, but my family is not permitting me, to kindly issue injunction against the my family members, it is not permissible because this is a purely religious matter of your faith and of your family. If the state says you will have to convert, you can go to High Court or Supreme Court. Are you getting or not? Samajh rahe baat kya hai ki agar aapke dharmik question, dharmik adhikar ki baat, keval aur keval dharmik baat ho, mujhe aarti nahi karne de rahe, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो मतलब विच वी कैन से प्योरली रिलीजियस राइट्स आर नॉट इन द डोमेन ऑफ सिविल कोर्ट, यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट टेक अप द एवरी मैटर टू द कोर्ट, हर बात के लिए सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं आप, आर समझ रहे हैं आप? अगर आपके साथ कुछ ऐसा काम हो रहा है विच इज प्रोहिबिटेड बाय द आईपीसी, यू कैन गो टू द पुलिस स्टेशन एंड देन यू कैन सीक द क्रिमिनल रिमेडी,
आप समझ रहे मेरी बात क्या है? हमारा काम क्या है राइट नाउ, व्हाट इज आवर पर्पज, वेदर ए कोर्ट विच इज द सिविल कोर्ट हैज अ ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई दैट केस और नॉट. फॉर दैट पर्पज व्हाट इज आवर फॉर्मूला, दैट इट मस्ट बी ए सूट ऑफ सिविल नेचर. नाउ टू डिटरमाइन सूट ऑफ सिविल नेचर, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट दिस शुड नॉट बी ए प्योरली रिलीजियस और पॉलिटिकल और कास्ट रिलेटेड मैटर. इट मस्ट बी रिलेटिंग टू द enforcement of private rights and remedies of a citizen. This is called civil. Now come to the nature. What do you mean by the nature? This is, nature means fundamental qualities. When we say it is in her nature, it means iski a fundamental quality hai, moolbhoot qualities hai na. Sone ke ring ko tukde tukde karte chalai minutely, जब सबसे माइन्यूट कण होगा उसकी भी वही क्वालिटी होगी जो उसके ग्रुप में थी. दैट इज वॉट फंडामेंटल क्वालिटी. हर एक इंसान की एक अपनी, जैसे कुछ लोगों की है कि वो कभी रेगुलर नहीं हो सकते क्लास में, पंक्चुअल नहीं हो सकते, तो दैट इज ए गॉड गिफ्टेड फंडामेंटल क्वालिटी. वो चाहे तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो लेट हो जाएंगे या वो नहीं आ पाएंगे. बहुत खींचा उनको तो हफ्ते में दो दिन लगातार आ जाएंगे, तीन दिन, चार दिन बाद बीमार पड़ जाएंगे, नहीं आ पाएंगे रेगुलर. सो फंडामेंटल क्वालिटी, मैं हूँ, मेरी एक फंडामेंटल क्वालिटी है तो है कि मैं अगर स्टूडेंट्स के चेहरे पर लगेगा कि हाँ ये नहीं समझा, तो मैं उसको फिर समझाने की कोशिश करता रहूँगा जब तक वो समझेगा नहीं, नहीं बढ़ूंगा आगे को. फंडामेंटल क्वालिटी है ना, वो इमोशनली रिएक्ट करूँगा. फंडामेंटल क्वालिटी सभी की अपनी अपनी है, सब अपने से खुद से परेशान है ना. तो मैं सिर्फ फंडामेंटल क्वालिटी समझाना चाह रहा हूँ, मैं सबकी क्वालिटी जिताना नहीं चाह रहा. फंडामेंटल नेचर का मतलब समझे कि नेचर का मतलब क्या है. अब मान लीजिए हम क्या कहें, सूट ऑफ सिविल नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, दैट ए सूट विच इज फंडामेंटली ऑफ सिविल नेचर, फंडामेंटली सिविल. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने चाय बनाई है ना, टी के वेरिएंट हो सकते हैं. टी कैसी हो सकती है, दूध वाली चाय या ग्रीन टी, इट में भी मिल्क टी और इट ग्रीन टी, इट में भी ब्लैक टी, इट में भी लेमन टी, इट में भी इलायची टी, इट में भी अदरक टी, इट में भी सो मैनी थिंग, मसाला टी है ना. बट बेसिकली इट इज वॉट, टी. देयर मे बी वेरिएशंस. तो वॉट इज बेसिकली वॉट, बेसिकली एक चाय है. पहले हम क्या कहेंगे, ये चाय है और इसमें इंसिडेंटली समथिंग इज बिंग एडेड. तो अगर आपसे ये कहा जाए, आपने ये कहा कि मैं चाय पीऊंगा, या डॉक्टर ने ये कहा कि भाई इनको चाय दे सकते हैं, सही है, डॉक्टर ने पेशेंट के लिए कहा कि भाई इट इज परमिटेड दैट ही कैन टेक टी, तो बेसिकली डॉक्टर अलाउड हिम टू टेक पेशेंट दैट टू टेक टी. नाउ व्हाट हैज कम बिफोर द पेशेंट, दैट टी विद इलायची या मसाला. नो अगेन गौरव गोज टू द डॉक्टर, डॉक्टर कैन आई टेक दिस, व्हाट इज द क्वेश्चन, कि डॉक्टर साहब दिस इज टी बट विद मसाला एंड अदर थिंग्स. डॉक्टर सेड फंडामेंटली दिस इज व्हाट टी, ऑल्दो समथिंग इज बीइंग एडेड टू दिस बट बेसिकली दिस इज अ टी, ओके टेक इट. अगेन ही गोज, डॉक्टर कैन आई टेक इट दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रीन टी, तो बेवकूफ दिस इज टी, अगेन टी. आप समझ रहे हैं, इट मीन्स नाउ आई इनकॉर्पोरेट दिस इनटू द केस ऑफ आर लीगल फील्ड. नाउ केस हैज कम बिफोर द कोर्ट, केस हैज कम बिफोर द कोर्ट एंड नाउ कोर्ट हैड टू डिसाइड वेदर टू टेक अप दिस और नॉट. देन कोर्ट विल से व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन, मुख्य क्वेश्चन क्या है इसमें. इफ दिस प्रिंसिपल क्वेश्चन इज रिलेटेड टू योर सिविल राइट and there are other questions as well, the nature of the case will be decided on the basis of principal question. मुख्य प्रश्न क्या है उस केस में, उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि whether the court has the this suit is of civil right civil nature or not. Like this suit will, it will be seen what is the principal question in this case. मुख्य प्रश्न, मुख्य मुद्दा क्या है, झगड़ा क्या है मुख्य मुद्दा है ना. On the basis of that, if it is
that principal question is the determination of civil right, then the suit will be treated as suit of civil nature. तो principal question का मतलब है मुख्य प्रश्न. इसका मतलब other questions भी हैं, मुख्य प्रश्न यही है भले ही, but this is principal question, but there are other questions as well. Those incidentally questions, those other minor questions, even though may not, may be religious in nature, which do not come in the domain of the civil, even then the suit will remain of civil, suit civil nature. Please raise hand agar pass mein aa gayi ho to. Sahi hai. Aur samjhate hain dobara, dekhiye. Dekhiye, this is a suit in which principal question relates to caste or religion. अगर सूट ऐसा है जिसमें मुख्य प्रश्न, मुख्य मुद्दा जाति का है या धर्म का है, देन इट इज नॉट ए सूट ऑफ सिविल नेचर. दिस इज व्हाट सूट प्रिंसिपल क्वेश्चन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट और रिलीजन. इट इज टू बी डिटर्मिन्ड कि ये कौन सी जाति का है, कौन से धर्म का है. तो भैया हमसे ना हो पाएगा, कोर्ट में नहीं है तो पंचायतों में डिसाइड होंगे, है ना. Court cannot decide the principal question relating to caste or religion. Okay, in that case, if the principal question is the determination of caste or religion, in that case, this suit is not of civil nature. So basically, contrasting things are this: if the it is related to private rights and obligations, it is of the it is covered in the civil nature. If they are purely religious, political, it is not covered, the question is not covered in the category of suit of civil nature. And for that purpose, please note down, I have given in notes the case most revered PMA Metropolitan versus Moran Mer Marthoma case. So please note down the case most revered PMA Metropolitan versus Moran Mer Marthoma. क्या कहा गया इस बात को? This case is known because in this case the phrase civil nature was explained by the court. The court explained the word civil nature. Samjhe nahi samjhe aap log? Kya kaha inhone? Isko samjhiye zara. Please see this. What was held in this case? The word civil nature is wider than the word civil proceeding. The word civil nature is wider than civil proceeding. Isko samjhiye. Isko aap, I have expressed this in this way also. That this is civil nature, the term civil nature is wider than civil proceedings. If something is not typical civil but it is of civil nature as well, even then this case will, the case can be heard by the trial court. Isko samajhiye kya kehna cha rahe. Dekhiye ki agar koi case, suppose kijiye principal question, mukhya prashn, agar keval ek hi question hai, there In this suit there is only one question that is related to your civil right. Basically tenant and landlord may be dispute ho sakta hai, there may be dispute of recovery of money, that is you want to recover your money. These are the basically your civil right, rights for breach, sue for breach of contract, right to for the specific performance of the contract, hai na. These are typically civil, but sometimes there is a mixture of issues in a single case. There is a mixture of, suppose कीजिए, I assume a condition, I assume a situation that there is a dispute relating to inheritance of the property. This is a civil nature, civil case. Now, but the question is that the जो plaintiff हैं, they are saying that our parents adopted X. He belonged to Muslims community. We are Hindus. Now, according to our customs, this, if a Muslim is adopted, this is an imaginary situation. I want to show you something. If according to our custom, if a Muslim is adopted in a Hindu family, he does not get any right in the property unless he adopts the Hinduism. The person adopted says, I have become the Hindu.
नाउ बेसिकली दे नाउ द राइट ऑफ द पर्सन हु इज अडॉप्टेड इज डिपेंडेंट अपॉन द क्वेश्चन वेदर ही हैज अडॉप्टेड हिंदूज और नॉट, ही हैज स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग हिंदूज और नॉट. तो इन दिस डिस्प्यूट देर ए मिक्सचर ऑफ थिंग्स. यू हैव टू डिसाइड द इनहेरिटेंस, क्वेश्चन ऑफ इनहेरिटेंस. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा प्रॉपर्टी किस चीज़ को मिलनी चाहिए. आपको ये डिसाइड भी करना पड़ेगा अडॉप्शन वैलिड था नहीं था. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया इन्हें हिंदूज को एक्सेप्ट कर लिया था नहीं कर लिया था, करा तो कैसे था. अब ये क्वेश्चन सिविल नेचर का है या नहीं है. इफ यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस केस इज सिविल नेचर और नॉट, कोर्ट विल से वी विल सी व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वेश्चन इन दिस केस. प्रिंसिपल क्वेश्चन इज द डिटरमिनेशन ऑफ सिविल राइट, दैट इज द इनहेरिटेंस ऑफ द प्रॉपर्टी. सो इफ द प्रिंसिपल क्वेश्चन इज ऑफ सिविल राइट, देन इवन दो देर आर सर्टेन अदर मैटर्स मिक्स विद इट, तो इट मे नॉट कम इन टू दिस कैटेगरी सिविल प्रोसीडिंग, बट इट कैन बी सेड दैट सूट इज ऑफ सिविल नेचर एटलीस्ट, बिकॉज मेन एलिमेंट जो है उसमें वो सिविल प्रोसीडिंग्स का ही है. ऑल दो देर आर सर्टेन एडिशंस टू दिस, तो दिस इज कॉल्ड सूट ऑफ सिविल नेचर. द की वर्ड इज वॉट, प्रिंसिपल क्वेश्चन, मुख्य प्रश्न क्या है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने. दूसरी बात क्या कही इन्होंने, इसको समझिए. इसमें सेकंड बात क्या कह कही, द सेक्शन वुड देयर फॉर बी अवेलेबल टू इन एवरी केस वेयर द डिस्प्यूट वॉज ऑफ ए करेक्टरिस्टिक अफेक्टिंग वंस राइट विच आर नॉट ओनली सिविल बट ऑफ सिविल नेचर. प्लीज फोकस ऑन दिस ब्लू शेडेड लाइन, विच आर नॉट ओनली सिविल बट ऑफ सिविल नेचर. भले ही वो केवल और केवल सिविल ना हो, लेकिन अगर वो सिविल नेचर के भी हों, यानी कि मूलभूत अगर वो सिविल नेचर के हैं, जैसे टी का एग्जाम्पल दिया, बेसिकली ये टी विद एडिशंस, तो वो भी इसमें कवर होंगे. तो बेसिकली इन्होंने ये बात समझाई इस केस में कि सिविल नेचर इज ए वाइडर टर्म, इसके अंतर्गत वो सब केसेस भी आ जाएंगे जो केवल और केवल सिविल ना हो करके उनमें कुछ अन्य इश्यूज भी हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो मुख्य प्रश्न है वो सिविल ही है, इसलिए उसको टर्म उन्होंने यूज करी है सिविल नेचर. अगर वो ये कहते, देखिए प्लीज सी दिस स्लाइड, इसको समझेंगे आप लोग. सपोज कीजिए कि अगर ये है लैंग्वेज सेक्शन 9 की, सूट मस्ट बी सिविल नेचर, अगर इसकी जगह केवल ये लिखा होता सूट मस्ट बी सिविल, सूट मस्ट बी सिविल, तो वॉट वुड बी द कॉन्सिक्वेंस. सो मैनी केसेस विच आर नॉट ओनली सिविल माइट हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. बहुत सारे ऐसे केस जहां पर मिक्सचर है रिलीजियस एंड सिविल राइट्स का, वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हो जाते हैं. हाँ या ना, क्योंकि फिर टिपिकली कोर्ट ये कहते हैं कोर्ट सिविल सूट सिविल है या नहीं है. The court would ask only civil, only one question, whether this court is civil, civil case or not. For example, please try to understand, in a criminal court, in a magistrate court, in a session court, which court goes there, case goes there, which are criminal, with the cases which are criminal cases goes, they, you don't take your cases there, no, this is of criminal nature. If the offense is made out, only then the court will have the jurisdiction to take cognizance of it. Or please raise hand. बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये difference है. Civil court के jurisdiction में उतना tight formula नहीं है. यहाँ पर suit civil हो तब भी हो जाएगा. But अगर वो case civil nature का भी होगा, suit civil nature का, even then the court will have the jurisdiction to try this case. Please raise hand. अगर ये बात समझ में आ गई है तो इन दोनों difference समझ में आया. आई होप कि क्रिमिनल कोर्ट के डिफरेंस से आपको ज्यादा समझ में आया होगा कि जो स्ट्रिक्ट वर्ड होता है क्रिमिनल केसेस का, सेशन कोर्ट विल नॉट टेक अप द केस ऑफ क्रिमिनल नेचर. वो क्रिमिनल नेचर नहीं है यहां पर सिविल नेचर वर्ड यूज किया गया है, बिकॉज सिविल प्लस इट मे बी समथिंग एल्स एज वेल, बट बेसिकली इट शुड बी सिविल केसेस. दिस इज वॉट, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड सिविल नेचर. एंड दिस इज खैर क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे क्वेश्चन में आते हैं एंड वॉट यू विल हैव टू डू इट. प्लिम्स का वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फॉर योर प्लिम्स, नोट डाउन, यू विल सी द क्वेश्चंस लाइक दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट ऑफ सिविल नेचर.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट ऑफ सिविल नेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइट टू सिविल नेचर, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट कैन बी बार्ड दिस दिस. सो यू विल हैव टू आइडेंटिफाई. प्लीज आई हैव गिवन यू नोट्स, देयर इज अ लिस्ट फॉर दैट, यू नीड नॉट टू राइट फॉर दैट. दे विल आस्क द एग्जाम्पल लाइक दिस, आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर द सूट्स ऑफ सिविल नेचर, विच फॉर इन विच केस कोर्ट कैन हैव द ज्यूरिसडिक्शन फॉर ट्रायल. तो दीज आर द ओनली क्वेश्चन सेक्शन 9 की हेडिंग से आएगा. एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड से क्वेश्चन पूछेगा, सिविल नेचर के पीएमए मैराथन वाले केस से क्वेश्चन पूछेगा प्रीलिम्स में आपसे. और इन केसेस को 10-15 केसेस हैं, आपको टेबलर फॉर्म में नोट्स दिए गए हैं मैंने, कौन से केसेस में सिविल सूट माना गया है, किन को सिविल सूट नहीं माना गया, उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, रट लीजिए, पास हो जाइए. ठीक. सो अगली कथा अगली क्लास में. दोस्तों, एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा. तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी. हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस, हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा. इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको. और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू वेरी मच.